सभी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा भाई जो पेपर हुआ था उत्तराखंड के अंदर PCS का 2022 प्री का, तो इसकी आंसर की आज हम देखेंगे और मेनली हमारा फोकस हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। 17 लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं और 17-17 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने वीडियो डाल रखी है 3 से 4 घंटे की, उसके अंदर से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख लेना। आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जुड़ सकते हो हिस्ट्री की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारे जो मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो डीपली इनको समझेंगे किस टाइप से इसका आंसर ये क्या चेंज हुआ क्यों हुआ, तो सारी बातें करते हैं भाई। चलते हैं हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर, तो लास्ट में मिलेंगे भाई सारे क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन बीच में आए हुए हैं, तो सभी की बात करते हुए चलेंगे भाई। तो 1 सेकेंड रुकिए भाई, तो आने ही वाले हैं दोस्तों हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो डायरेक्ट वहीं चलते हैं अभी लास्ट में ही। बीच वाले 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन वो था कि जो 26 जो जनवरी को हमारा 1930 के अंदर जो पूर्ण स्वराज्य का जो लाहौर अधिवेशन में मनाया गया था, तो वो क्वेश्चन था, उसका तो आपको पता ही है सभी को। और एक क्वेश्चन था कि 24 जनवरी जो 1950 को हमारा जनमनगण जो हिंदी भाषा में अपनाया गया था, 2 क्वेश्चन वो बीच में थे, तो मैंने वो आपको अभी बता दिए, उसके आंसर वो रहेंगे। तो अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं लास्ट में दिए गए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे हिस्ट्री क्वेश्चन भाई 124। देखिए ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र जो है किस वैदिक देवता को समर्पित है भाई। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो ऋग्वेद के जो मंत्र है सबसे ज़्यादा वो समर्पित है हमारे यहाँ पर इंद्र देवता को। लगभग 250 यहाँ पर इनके समर्पित मंत्र मिलते हैं और अग्नि को समर्पित मंत्र यहाँ पर 200 इनकी संख्या है। अगर यहाँ पर इंद्र ऑप्शन में ना होता तो हमारा अग्नि इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर इंद्र ऑप्शन में है तो क्योंकि इंद्र की जो स्तुति की गई है वो सबसे ज़्यादा मंत्र इसके मिलते हैं 250 के लगभग, तो इसका आंसर बी रहेगा भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 125 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था भाई, किस जगह पर हुआ था, तो ये हमारे पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था भाई। स्थूलभद्र जो था इसका अध्यक्ष था, स्थूलभद्र आपने पढ़ रखा होगा इनके बारे में। और ये जो लगभग हुई थी चतुर्शताब्दी ईसा पूर्व, फोर्थ यानी कि जो यानी कि चार शताब्दी ईसा पूर्व ये हुई थी। और इसके अंदर दोस्तों हमारे 12 जो अंग अंग हैं इनके जो संबंधित है जैन धर्म से, तो उन 12 अंगों की यहाँ पर जो है स्थापना की या संकलन किया गया था। तो 26 देखिए, इनमें से किस नाटक की रचना जो हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, तो प्रियदर्शिका है दोस्तों, और 2-3 नाटक और हैं इसके, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर्षचरित्र को आप सभी जानते हो कि किसकी रचना है, सबघोष की रचना है, हर्षचरित्र कादम्बरी जो है कि बाणभट्ट की रचना है, देवी चंद्रगुप्तम जो है ये देवी चंद्रगुप्तम नरेटर मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों इसका। 27 देखिए, इनमें से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, जो महिला राजवंश की बात यहाँ पर की गई है, तो राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी थे, तो दोस्तों ये काकतीय राजवंश की जो है पुत्री थी और इनके पिता का नाम गणपति था, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। गणपति देव की ये पुत्री थी और काकतीय इनका राजवंश था। लीलावती का लेखक जो भास्कर सेकंड है दोस्तों, ये किससे संबंधित है यहाँ पर, तो यहाँ पर भास्कर सेकंड की जब हम बात करेंगे दोस्तों, ये 1100 जो है 14 के लगभग इनका जन्म हुआ था, यानी कि 12वीं शताब्दी के लगभग। और इन्होंने जो है सिद्धांत शिरोमणि भी लिखी है और ये लीलावती भी लिखी है, तो ये गणितज्ञ हुए हैं भाई, इम्पोर्टेंट ये है इनके लिए, तो गणितज्ञ इसका आंसर रहेगा। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें जो है कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, देखते हैं भाई इसका आंसर, पहले हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। शकशत्रप काल में जो सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात वो क्या था, तो ये 1:10 था भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ही आया हुआ है। गधे क्या था भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर गधे भाई, यहाँ पे मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मुझे इसका सिक्का लग रहा है, बाकी इसको बाद में डिस्कस करेंगे भाई, थोड़ा इस पर देखना पड़ेगा इसको। उदिन जराल जो है किस वंश से संबंधित था, तो भाई ये उदिन जो जराल है यहाँ पर ये संबंधित है भाई चेर वंश से, क्योंकि ये प्रथम चेर शासक हुआ है और इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि इसने महाभारत में जो योद्धा जा रहे थे लड़ने के लिए, तो उनको इसने भोजन कराया था, महा
बोझ की उपाधि इसको दी गई है, महाबोझ इसकी उपाधि है भैया, एक महाबोझ, क्योंकि इसने भोजन करवाया था तो इसलिए इसकी उपाधि जो है महाबोझ यहाँ पर हमें मिलती है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा भाई, जो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है वो यहाँ पर करवाया गया था भाई कृष्ण प्रथम के द्वारा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जो हमारा धार्मिक पुस्तक जिसमें जो कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो ये हमारी मिलिंद पन्नो बुक है, इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये, बहुत ज़्यादा याद रखना आप इसको। मौर्य काल में जो प्रणयम था, प्रणयम क्या था भाई, प्रणयम एक टाइप का क्या था, प्रणय बोलते थे इसको, तो ये आपातकाल में कर लिया जाता था कि कोई भी विपदा अगर राज्य के ऊपर आ जाती है तो उसके टाइम पे ये कर यहाँ पर लोगों से लिया जाता था। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट द्वितीय को हराया था। तो ये गोविंद तृतीय था भाई, इसने जो है राष्ट्रकूट शासक प्रतिहार नागभट सेकंड को यहाँ पर हराया था, और इसकी जो उपाधि है भाई जगतुंग प्रथम भी है, जगतुंग प्रथम भी इसकी उपाधि यहाँ पे आपको पढ़ने में मिलेगी, जब इसके बारे में पढ़ोगे जगतुंग इसकी एक उपाधि मिलती है, तो ये इसकी उपाधि है जगतुंग की। और इसके बारे में फेमस क्या है दोस्तों, इसके बारे में फेमस है कि उसके घोड़े जो थे शत्रु देश में पदार्पण किए बिना हिमालय से कन्याकुमारी तक जा सकते थे, यानी कि इसके घोड़े काफ़ी शक्तिशाली है, इस टाइप से कुछ इसका महत्वपूर्ण वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है। हजार दिनारी जो है मलिक काफूर को कहा गया है, जिसको गुजरात से खरीदा जाता है, इनमें से कौन सा है, तो तुम इसका यहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा भाई, अगर आपके पास साफ PDF हो तो आप भेज देना। विजयनगर काल में दक्षिण भारतीय किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। तो यक्षगान आप जब पढ़ोगे भाई, तो यक्षगान जो एक शैली है वो कर्नाटक के अंदर है, और कर्नाटक के एरिए के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य हमारा बसा हुआ था, तो यक्षगान का आपको वहाँ पे जिक्र मिलेगा। निम्न में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की। तो ये अमीर खुसरो ने की थी भाई, और इसके अंदर आप जब भी आप पढ़ोगे इसके अंदर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन मिलेगा, उसको जनता का चरवाहा, विश्व विजेता, इस टाइप से इसकी जो बुक है इसके अंदर उसकी उपाधियाँ मिलती है अमीर खुसरो की बुक के अंदर, तो इम्पोर्टेंट बुक है भाई, याद रखनी है आपको। निम्न में से नूर जहाँ गुट का सदस्य कौन नहीं था भाई। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों महाबत खान और जहांगीर होता, तो जहांगीर दोनों ये इसके गुट में शामिल नहीं थे, खुर्रम आसफ खान इमादतुल्लाह ये इसके गुट में शामिल थे, और इस गुट को भाई जुंता गुट भी बोलते हैं, जुंता गुट या जुंटा गुट इस टाइप से भी बोलते हैं, क्योंकि सारे निर्णय इसके अंदर जो है ये नूर जहां लेती थी। और इसके विषय में इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों देखिए क्या है, इसके विषय में जो मेन बात है, ये 1622 तक प्रभावी रहता है, ये गुट जो बना था 1622 तक प्रभावी रहा, और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बुक लिखी थी बेनी प्रसाद ने, बेनी प्रसाद ने लिखी थी, बेनी प्रसाद आपको नाम याद रखना है, बेनी प्रसाद इन्होंने बुक लिखी थी, और इनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ जहांगीर, उसके अंदर इस चीज़ का इन्होंने जिक्र किया है, जो नूरजहां जनता गुट का। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जॉन साइमन नहीं था भाई, बाकी ये तीनों थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो है किसने प्रारंभ किया, तो ये लॉर्ड मेयो ने किया था भाई, फोर्थ नंबर के ये वॉइस राय थे हमारे फोर्थ नंबर पे। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, तो भाई ये उत्तराखंड से संबंधित है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में डाल दूंगा, मैंने इसको अभी चेक नहीं किया है। राजा राम राय की प्रसिद्ध जो कृति है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किस भाषा में लिखी गई थी भाई, तो ये लिखी गई थी भाई फारसी भाषा के अंदर, और ये 1804 के लगभग इन्होंने इस बुक को लिखा है, मुरादाबाद से इन्होंने इस बुक को लिखा था, मुरादाबाद भी आपको नाम याद, मुर्शिदाबाद दोस्तों, मुरादाबाद नहीं मुर्शिदाबाद आपको नाम याद रखना है। और इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखिए, जो ये बुक जो इन्होंने लिखी थी, जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो इन्होंने अरबी में दी थी, इंट्रोडक्शन को इन्होंने अरबी में इसकी इंट्रोडक्शन लिखी है, लेकिन बुक वह जो है मेन लैंग्वेज क्या है बुक की फारसी है, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया, तो ये कसौनी के अंदर भाई उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है, ये कुसानी जगह है जहाँ पर ये 14 दिन तक रुके थे, और इन्होंने यहाँ पर रुकने के बाद क्या किया था, इन्होंने जो अनासक्ति योग है इस पुस्तक के ऊपर इन्होंने कुछ यहाँ पर लिखा था इन्हें रह करके, क्योंकि ये यहाँ पे इनको पसंद आ गई थी, और इस टाइम पे जो ये लाल बंगला जो है इसको बोलते थे, अब इसको अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाने लगा है, जो कसौनी में कोई जगह है। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य पर राजा कौन था, तो ये मानवेंद्र शाह थे भाई, और 1949 के लगभग जो है ये भारतीय संघ में मिल गया था 1949 के
के लगभग, और जो लास्ट में ये मनविंदर शाह थे उस टाइम पे, और टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो ये सुदर्शन शाह थे भाई। और ये इनके बारे में मेन चीज़ क्या है कि ये 1815 में राजा बनते हैं, और श्रीनगर से जो है टिहरी को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है भाई। कालू मेहरा संबंधित है, तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है कालू मेहरा। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाई यहाँ पर जो है क्रांति वीर संगठन का निर्माण किया था। क्रांति वीर संगठन आपको याद रखना है, क्रांति वीर। तो भाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और दोस्तों मैं यहाँ पर जो है मेन यूजीसी नेट और एच टेट वगैरह की हम तैयारी करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। सारी वीडियो आपको फ्री में मिलेंगी, आप चेक कर सकते हो नीचे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाल रखी है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम वगैरह डाले हुए हैं जो आपके काम आने वाले हैं, तो आप चेक कर सकते हो भाई सारे। तो यहाँ पर भाई ये क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे जब भी मेरे को मिलता है टाइम तो मैं भले पूरा ही इसकी आंसर की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।